अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से पेनकेक्स। सो इसकी रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़े की, बच्चों की तो फेवरेट है ये रेसिपी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस चलें आपको रेसिपी बताती हूँ कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स हम यूज़ कर रहे हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ले रहे हैं, ये 2 कप मैंने इसमें लिया हुआ मैदा, ठीक है, 2 कप मैंने मैदा लिया हुआ है। और साथ में मैं यूज कर रही हूँ 2 अंडे, पिंच ऑफ ये है अपना बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून शुगर यूज कर रही हूँ मैं, 1.5 टेबलस्पून में यूज करूंगी बटर, पिंच ऑफ सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट में यूज करती हूँ हमेशा, तो ये पिंक सॉल्ट है, ये सब चीजें हैं। और मिल्क यूज कर रही हूँ 1 कप, ठीक है। ये सब इंग्रेडिएंट्स हमारे हो गए पैनकेक के। और जो टॉपिंग के लिए मुझे चीजें चाहिए, स्ट्रॉबेरीज है फर्स्ट, ले सकते हैं चॉकलेट है, ये भी डाल कर सकते हैं, और ये है पैनकेक सीरप है, और ये क्रीम है व्हिपिंग क्रीम, ये 2 चीजें ये हैं, और न्यूट्रेला भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलें गाइस आपको बनाना सिखाती हूँ। अच्छा, तो गाइस सबसे पहले हमने ये एक ले लिया है स्टेनर। अब हम ये सारा जो मैदा है हम छानते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल के। अच्छा, ये मैंने 2 कप अपना मैदा है, इसमें इसको मैंने छान लिया था, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ हमने बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है गाइस। और पिंच ऑफ सॉल्ट जाएगा इसमें, इतना सा सॉल्ट चला गया। और साथ में ही शुगर जो मैंने ली थी वो मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगी, शुगर चली गई। और ये हम डाल रहे हैं, बस ये सब चीज़ें चली गई हैं, और बस आपको मैं मिक्स करती हूँ और फिर मैं देखिए गाइस। मैंने एक अलग बाउल सा ले लिया है क्योंकि मैदा और ये शुगर तो मैंने एक अलग करके रखी हुई है। अब यहाँ इसमें मैं ले ली हूँ जो मैंने मिल्क लिया था, ठीक है ना, ये मैं 1 कप इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। अगर कम लगे तो हम डाल लेंगे, उसका मसला नहीं है। और साथ ही साथ मैं इसमें अंडे डालती जाऊँगी 1 बाय 1, 2 एग्स जाएंगे इसमें, 2 अंडे डालेंगे हम, तो मैं 1 बाय 1 करके इसमें डालती रहूंगी। ये दूसरा एग चला गया साथ में ही, और ये बटर जो मैंने लिया था मेल्टेड बटर है, आप भी देखिए इस तरह से मेल्टेड बटर लीजिएगा, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून चला गया, सही है। अब इसको मैं थोड़ा कर लूंगी मिक्स, इसको मिक्स करके हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जो हमने मैदा और ये हैं ये इसमें आहिस्ते आहिस्ते हम डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे इस तरह से। पहले आहिस्ते आहिस्ते मैं इसको करती रहूँगी और देखूँगी, इसको पहले मैं आहिस्ते आहिस्ते कर रही हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने आधा इसमें डाल लिया था, और अब मैं ये सारा मैदा और शुगर जो सब चीज़ें हैं मैं इसमें कर लूँगी, ये मैंने इसमें ऐड कर लिए, और हल्का हल्का मैं इसको इससे प्रेस करती जाऊँगी, ठीक है, ये दिखाती चलूँ मैं आपको। तो ये देखिए आप, जबरदस्त सा अब ये रेडी हो गया, फ्लफी सा, आप देखिए कितना जबरदस्त ये फ्लफी सा हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ, ये मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दिया, और मैं इसको अच्छा सा मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ गाइस। अब हमने ये सारा अपना जो बनाना था ये मिक्सचर हमारा रेडी है, वनीला एसेंस डाल के मैंने मिक्स कर लिया था। अब हम पैनकेक बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा इसमें हम बटर ऐड करेंगे, ठीक है, बटर चला गया, और हमें छोटी छोटी सी इसमें इस तरह से मैं डालती रहूंगी, ये देखिए तकरीबन इतनी हम बना लेंगे, ठीक है ना, ये
हमने रख दिया इस तरह, और 5 मिनट हम रखेंगे इसको कवर कर देंगे ताकि ऊपर से भी अच्छा सा सिक जाए और नीचे से भी ये अच्छी तरह से सिक जाएगा। फिर मैं इसको आपको दिखाती हूँ, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह दोनों तरफ से ये सिक जाएगा, फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा ये देखिए 2-3 तकरीबन मिनट हो गए इसको, और मैंने पहले चेक कर लिया था, इसको फ्लिप कर लिया था, लेकिन अब मैं दोबारा इसको फ्लिप करूँगी और आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बड़ा क्यूट सा बना ये। ठीक है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये रेडी हो गया पेन के। थोड़ा सा इसको और सेकेंगे 2 मिनट्स के लिए, क्योंकि अच्छा सा गुलाबी सा हो जाएगा। इस तरह से हम 4-5 अपने बना लेंगे और आपको दिखाते हैं। अच्छा क्या इसका पता कैसे चलेगा कि ये हमारा रेडी हो गया? तो हम इसको यहाँ से चेक करेंगे। तो इसका मतलब ही हमारा रेडी है। इसको मैं निकाल लेती हूँ और मैं दूसरा नेक्स्ट डालूंगी। अच्छा ये हमारा रेडी हो गया। एक और हम डाल रहे हैं, 1 कप हमने ये डाला। नहीं तो हमारा ये रेडी हो गया है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। ज़बरदस्त रेडी हो गए सारे हमारे। ठीक है, और मैं बना के आपको दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे फ्लफी से ये रेडी हो गए, और कितने बहुत सॉफ्ट से बने, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से। ये आप देख लीजिए बिल्कुल बराबर बराबर थोड़े से डार्क इस तरह के हमारे रेडी हैं। ठीक है, और इसमें आप लोग डालें थोड़ा सा हल्का सा, आप लोग की आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या क्या कौन सा आप करना चाह रहे हैं टॉपिंग। आप स्ट्रॉबेरी की भी कर सकते हैं, और इसकी आइसक्रीम की भी कर सकते हैं, चॉकलेट्स की भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडिया से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपनी लेयर इससे की, और हमने एक पेनकेक देखिए जबरदस्त सा हमारा रेडी है। ये सिंपल हमने इससे किया है मजेदार सा, और इसमें हम लगा रहे हैं अपना कुछ। आप लोग इसको डेकोरेट कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी से कर लीजिए, आइसक्रीम भी यूज कर सकते हैं। ये हैं चॉकलेट चिप्स, ये हमने यूज कर लिया। अच्छा न्यूट्रेला आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अच्छी वैसे शॉप से खाते हैं। मैं थोड़ी सी क्रीम यूज करूंगी। सो गाइस ये हमारी फीचर रेडी है।